हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्मार्टी को गाड़ी चलवाने सिखाने। सोचा था लड़के को राइडर बना दे, एकदम तगड़ा सा राइडर। नहीं, ड्राइवर बनाना है। क्या ड्राइवर बनाना है? राइडर को राइडर है। चलो ठीक है, ड्राइवर बनाना है। कैंड के एडवेंचर हो रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो धक्के से स्टार्ट होती है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। अब देखते हैं स्मार्टी कितनी बार बंद करेगा, कितनी बार धक्के लगवाएगा। यस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को एकदम इतनी कम धूप है ना, इतने ठंडे मौसम में हम लोगों को धक्का लगाने को मिलेगा। और अपनी हालत भी थोड़ी गंदी सी हो रही है। सोच रहे ग्रूमिंग वगैरह करा के आए, थोड़ा वाइल्ड सा लुक हो गया अपना। पहले इसको चालू करते हैं अपनी फरारी को, और फिर उस पर राइडिंग पे चलते हैं, उसको धक्का लगाएं पहले। फाइनली एक ही धक्के में हल्के से मैं चालू हो गई है गाइस। हो गई चालू होते यार, लेकिन ये बात तो है। कार्ड कार्ड हल्की सी ताकत लगाने पर बढ़िया चालू होती है ये। चलो बैठो, आओ थोड़ी देर इसको गर्म करते हैं, फिर ठंडी करेंगे इसी से। सो यस गाइस, हमारा लोको पायलट अपनी सीट पे आ गया है। अब देखते हैं हम कितना सेफ रहते हैं, कितना सेफ नहीं रहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया करी है एकदम से। सामने दिखाओ जरा, सबसे ज्यादा रिस्क है गाड़ी बंद होने का। बस बंद हो गई तो ऐसी धूप में बहुत तगड़ा एडवेंचर। देखो गाइस, अरे वाह, ऐसा लग रहा है तुमको ये लड़का पहली बार गाड़ी चला रहा है। पायलट तो हो यार जी, अकेले में गाइस निकल जाता, रात में चुपचाप गेड़ी मार के भाग जाता। मुझे लग रहा है कहाँ जा रहा है आजकल, लगता है कोई दूसरी गली जाने लगे हैं जी। और मजा आ रहा है चलाने में? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाइस ये सीरियस बहुत हो जाता है गाड़ी चलाते हैं, इसको कोई पता नहीं क्यों इतना ऐसे सीरियस हो जाता है, जैसे गन पॉइंट पे इसको हम गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। कुछ नहीं बोलेगा था, किसी बात का जवाब देगा ना बोलेगा, बस सही चला रहा हूँ, बस सही चला रहा है। अब मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस पर, मैं अपनी जान हाथ में, हैंड ब्रेक पास रख लूँ जरा। मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ। वाह यार नाइस, क्या कटेंगे? चलो चलो एक्सीलेटर दबाओ, जान दो सीधी, सांप बना दे एकदम, लहरा दे सीधी जान दे, और क्या सीधी जान दे, घुमा दे इसे पूरी में। देख के अम्मा जा रही हैं, राइट ले लो, राइट साइड में, डिवाइडर के साइड में ले लो, अम्मा से दूरी बनाए रखें बस। गुड गुड गुड, सीधी रखो, वेरी गुड। अब ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं करनी है, बस उससे ब्रेक नहीं करते भाई। ब्रेक में बंद कर देते हैं। अब बंद हो गई तो भाई मैं तो उबल जाऊंगा आलू की तरह बाहर। सही है, एकदम से बढ़िया, एकदम क्यूट सी ब्रेकिंग लियो ब्रो, है बंद नहीं होनी चाहिए। चलो एक्सीलेटर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो एक्सीलेटर, छोड़ दो, ये कहा है एक्सीलेटर, क्लच दबाने को नहीं कहा है। धीरे 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 ब्रेक, वेरी गुड, गियर स्विच करो, गियर डाउन कर ले, बस छोड़ो क्लच, छोड़ बिल्कुल छोड़ दे क्लच, बहुत थोड़ी ब्रेक ली। अरे वाह रेस दे ब्रो, रेस दे, चलो चलो सीधी कर, सीधी कर, रेस दे थोड़ी धीरे धीरे। अरे अरे वाह वाह, रोहित शेट्टी अब इसी को सेलेक्ट कर लेगा, कास्ट कर लेगा अगली मूवी में, तो क्या कहने कवि के। वाह राइडर हो गया, प्रॉपर हो चुका अभी, अभी ऐसी तैसी कर देगा, अभी जमाने में रुकेगा ये लड़का, है बहुत तरक्की करने वाला है अभी। स्मार्टी खुश है कि नहीं है? अरे यार अब तो एकदम खुश हो गया, सारे बाग बगीचे ही खुल गए, घर गृहस्थी में इसको बता दो, इंडिकेटर भी दे दिया भाई, सीखो कुछ खासकर ग्रिल्स। भैया अब स्मार्टी की घर गृहस्थी बता देना कि गाड़ी चलाना सीख गया, अब गाड़ी से घूमने जाएगा। आराम से आराम से, ओके काम डाउन, ब्रेक लेने हैं, ब्रेक लेने हैं, ब्रेक लेने हैं, देखते हैं कोई उड़न कटोला सा नहीं आ रहा है। चलो दरी चलो, ब्रेक लेने होते हैं एक तो राइडर है ना, ब्रेक क्यों नहीं लेता है, क्लच चाहिए ये लेफ्ट लेफ्ट पैर में क्लच होती है दादा। अरे इनको पहले कॉपी पेन पे पढ़ाना चाहिए ना हमको, हमने तो अपनी यूं ही जान इनके हाथों में रख दी है। ब्रेक बीच में जो पेडल है, छोड़ छोड़ बस इतनी काटनी होती है, टाइट नहीं पकड़नी है, स्लो क्या पकड़, स्टीयरिंग स्टीयरिंग प्यार से पकड़ना है, ऐसे बहलाते फुसलाते हुए ले जाना है इसको, ये समझो ही मत ही स्टीयरिंग है। हाँ समझो तुम राइडिंग कर रहे हो एकदम हॉर्स राइड। मेरी नोटिस है यहाँ जी, अम्मा गाड़ी चलाना सीख रही थी ब्रो, अब तो हमारा चाचा भी सीख रहा है, वो तो बढ़िया, वो मोड़ नहीं रही थी। अरे नहीं ब्रेक क्यों लगाता है तू, ये बताओ। अरे ब्रेक नहीं मतलब दबाना है, पसंद नहीं है तुझे ब्रेक? वो नहीं
बीच वाला पेडल है ना, वैसे तो दबा देगा हैंड ब्रेक वगैरह देख के, ब्रेक ब्रेक लगाओ देख के गाड़ी आगे साथ राइट से ब्रेक। चलो आराम से पैरी रिस्की बंद कर दे यार। ओ गेट डाउन गेट डाउन। अरे जान दे एक्सीलेटर पे, तीसरे पे है वो चढ़ा हुआ है एक्सीलेटर पे। बस गियर स्विच कर, दूसरे में ले ले, छोड़ दे क्लच, क्लच छोड़ दे, क्लच छोड़। लट ला जरा बाहर से, प्यार से समझ में नहीं आ रही है इसको। ओब्लेस हो रहा है यार तू। हाँ यार अब चले लॉन्ग राइड पे, चले स्मार्टी। बता तू क्या तो लद्दाख लगा दे भी हल्के हाथ। लेट्स गो। पैसा इतना है ना चौधरी पे, गियर 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 चेंज कर, अंधा पैसा है। भले ही गांधी चश्मा लगा रहे नोटों में, लेकिन पैसा अंधा है। कोई सेंस है इस बात की? नंबर ठीक है गांधी का कि वैसे ही फर्जी है? पता नहीं, चेक पता लगा है। एमईबी वाला तो नहीं है, बिना कांच का चश्मा लगा लूंगा। वही है, वही है। गांधी ने वही लगा रखा है। यही है, यही है। उसका फैन है ये एमईबी का। ब्रेक, क्लच से पहले ब्रेक दबा रहे हो। चप्पल कहाँ है मेरी? अब कैसे आगे लाइन पे? क्लच दोनों क्लच भी दबा, क्लच दबा ले। देख के बिगिनर राइडर। So guys, रिस्क से बचते हुए हम लोग ब्रेक को राइट पैर से दबाया जाता है, ठीक है? इससे राइट से वाले से एक्सीलेटर छोड़ कर ब्रेक दबाएगा तू, क्लच दबा, क्लच वाले पैर से ब्रेक दबा देता है। क्लच कैसे दबाएगा? गाइस हमारा लड़का गाड़ी राइड करते करते कहीं और राइडिंग पे पहुंच गया। अब ऑफ रोडिंग कराने ले जाएंगे इसको, क्यों में डलवा दो। आगरा चौपाटी इज द, यहाँ पे कभी आ नहीं पाए यार, सपना ही रह गया यहाँ पे। खैर बच्चे आएंगे किसी दिन, बच्चे आते हैं यहाँ पे बच्चों। गाइस बताना आप लोग, बच्चे आते हैं अगर नहीं हमारी ऑडियंस कहेगी तो हम लोग एक्सप्लोर करने आ जाएंगे, चाहेंगे तो। क्या है यार, अपनी ऑडियंस के ऊपर है केवल, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। पहला डालो तुम, पहला डालो। हाँ ऊपर ना किधर ना रोड खराब। क्लच दबाओ पूरी, क्लच 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 मतलब यहां जाइए। सही है, सही है। काटो, काट दो, काट दो, काट दो तुम, चढ़ा दो, रिस दे दो, रिस दो, बंद मत करना यहां पे। क्लच तो छोड़ो ब्रो, आराम से सुनो। स्टार्ट है गाड़ी, क्लच दबाए, वी आर स्टक। थोड़ा सा एक्सीलेटर ले, थोड़ा सा दीदी क्लच छोड़, थोड़ा एक्सीलेटर ले। कौन है जो हॉर्न वाला? हां बंद मत करती हो, देख के जा, निकल जान दो पहले। चल बंद, एक्सीलेटर दबाए रख, एक्सीलेटर एक्सीलेटर दबा और बस बस बस। यही में यही तो सीखने की चीज है भाई साहब, जिंदगी में उतार चढ़ाव वो गाड़ी में उतार चढ़ाव, ये तुम सीख गए तो जिंदगी में सब कुछ सीख गए। बस क्या बात है, क्या बात, क्या कह रहे हैं, क्या कहने कभी के हैं, कभी सास पर कभी घमंड नहीं किया भाई। क्या कर रहे हैं, टैलेंटेड है ना शुरू से ही एकदम पैदा ही से। यदि बस किसी ने कहा टैलेंट नहीं, नहीं मैं कर रहा हूँ बिल्कुल फुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो हाँ टैलेंट। लेकिन कितने मोटे मोटे हैं ये, क्या पाइप, पाइप अच्छा वेरी ह्यूज। चलो लगाओ तीसरा। ओ ये थोड़ा बंद कर लिया, वो तो काट देंगे ना। काट काय को, मेमोरी भर रहा हूँ इतनी, जब मैं कहूँ तब रिकॉर्ड किया कर। ओ सबरी राइडर। तो गाइस हमें तीतुर मिला दिया लौटा दे हमारे सामने से। देख हमेशा ना क्लच दबाने से पहले हल्के ब्रेक लेने होते हैं, हल्के ब्रेक लेने होते हैं क्लच दबाने से पहले, ठीक है? फिर क्लच दबाओ, ठीक है? फिर दूसरे गियर में शिफ्ट करो, एक हाथ से इधर मोड़ो। भाई से क्या टर्न लिया एकदम, क्लच छोड़ दो, नीट एंड क्लीन टर्न ब्रो। बस आफ्टर अ ब्रेक गाइस हम लोग इधर आ गए हैं, शाबाश। और एकदम दोबारा से नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन छोड़ दे स्टीयरिंग, नीट एंड क्लीन सा टर्न लिया स्मार्टी ने दोबारा से, बहुत बढ़िया एकदम प्यारा, दोबारा से स्मूथ टर्न है ये। पेट्रोल देख लेना भैया, है ना? अरे पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, फुल है। नहीं फुल तो है, दो डंडी फुल नहीं होती है। अरे जूता पूछता है भाई का, पसीना डाल के चला देंगे यार, मेहनत का। यस बस मेहनत ही तो करनी है हमें, बाकी हमारी ऑडियंस झेल लेगी हमें। पुराने दिन मैं अपने पापा के संग कभी ऐसे बैठ के नहीं गया यार, सपना रह गया मेरे स्कूल जाने के, पापा के संग ऐसे बैग टांग के साइकिल से भेज देते ना, बस छोड़ देते तुम्हें दो दिन पिछवाड़े में लट जगह से, चल बेटा जा साइकिल से। जुर्म किया गया तुम पे, शोषण हुआ है, वेरी बैड, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के। अब हम ना कहाँ से निकल के आएंगे, छोटा सा पता है आपको, शोषण होते कहाँ से निकल के आएंगे, नगला नहीं, अब हम यहाँ जोनल होते हुए जाएंगे, थोड़ी हरियाली देखेंगे उधर,
थोड़ा एक स्टॉपेज मारेंगे हल्का सा वहाँ पे, क्यों भाई? हरियाली एकदम ग्रीनरी वाली या अलग हरियाली जो आंखों को ठंडक देती है, ये देखने वाली गाइस हम उसको देखेंगे गाइस, बस इतना ही ये सीख ले बस ये चीज है। इतने में तो पूरे आगरा मुड़ आएगी, इतने में तो खुश है एकदम झटके से बस बंद मत कर देना है ना गाइस। ये हमारा कुछ जोनल पार्क ऐसा, अब हम तो लॉक कर गए। मैं आपको एक ऐतिहासिक राज की बात बताता हूँ। यहाँ पे ना एक बेंच है, ये वाली बेंच। कौन सी वाली? जी वाली, वो वाली एक वो बेंच है वाली। सामने गाइस जी वाली, जूम कर वो वाली। हाँ या दिस बेंच, इस पे ना बहुत लोगों के मैंने राज खोले हैं। जी वाली पे ना फोकस नहीं कर रहा। फोकस करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत धुंधली चीज़ें होती हैं ना। ओह ऐसा क्या, ऐसा क्या धुंधला हुआ था भैया, मुझे तो बता दो ऐसा क्या धुंधला हुआ था। मैं बताऊंगा। वो काटेगी देखिए, बैक कैमरे की चीज़ें हैं। ओके सो गाइस, ऐसा कुछ हमारा जोनल एरिया की तरफ का एरिया। ये मेरी पंचवटी की सबसे फेवरेट चीज है। अभी तरबूज खाएंगे, जरूर खाना होता है एकदम ठंडा ठंडा। तरबूज है क्या? कितने रुपए घंटा है? कितने रुपए पीस ले रहे हैं गाइस हम? पीस तरबूज का पीस, वैसा पीस नहीं, तरबूज का पीस, और वो भी होगा चार पीस में, है ना? चाचा ओपी बोलते हैं, हैशटैग चाचा ओपी, हार्ड वर्कर गाइस। बंद कर ले अरे जरे तरबूज आना, तरबूज नहीं दिखाऊं? ओ ये हो गए चार पीस, एकदम सिनेमैटिक हो जाएंगे ये। हाँ सब्सक्राइबर को खिला दो लो, लो गाइस हैव इट एंजॉय। कैसा है? हाउ इज इट? मजा आ गया। गुड, मिल गई ठंडक। बस मैं एक ही पीस खाऊंगा। क्यों नहीं मत दो भैया आप ले? अरे मैं खा लूंगा, दे दो दे दो। आई एम तो भट्टा ना। सो गाइस हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दी अंकल के पास, क्योंकि अब जैसा हमने बताया था आपको कुछ गाड़ी में काम होना था, इसलिए अब मैं और स्मार्टी यहाँ से एक्टिवा लेंगे। यहाँ पे पार्क हुई है एक्टिवा अपनी, यहाँ से एक्टिवा लेंगे। और मैं भैया को तो उधर छोड़ आया था, क्योंकि अंकल फिर डांटते ना, तीन तीन चार चार लद के जाएंगे जरिए एक्टिवा। यहाँ से एक्टिवा निकालेंगे जी, कुछ यहाँ की पार्क है गाइस अकबर इंटरनेशनल की। निकाल निकाल बात, गाड़ी लेते हैं पहुँचते हैं जल्दी से अनुभव भैया के पास पक के। तो गाइस आ गए हम लोग अनुभव भैया के पास। अरे रेंदो खड़ा दिया धूम तब से यार, यहाँ धूप का भैया से परेशान हो गए तुमसे देखना। अंकल निकल गए, कितनी अच्छी लोंडे कार है, कितनी अच्छी शेल्टर हो रही है गाइस यहाँ पे। शेल्टर मतलब छाओ। स्मार्टी एकदम राइडर हो गया गाइस, एकदम कमेंट में मेंशन कर देना स्मार्टी द राइडर और व्हाट है भैया। जल्दी से घर पे गाड़ी खड़ी करेंगे, अपनी एक्टिवा रखेंगे रेडी होंगे, क्योंकि अभी हमें मूवी देखने जाना है। आज मूवी का अपना शो है, बढ़िया तरीके से एकदम चिल करके मूवी देखेंगे, और फिर आपसे घर पे चल के अभी मिलेंगे। तो यस गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, इट्स अ मूवी टाइम। बहुत दिनों बाद हम लोग मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और थोड़े बहुत लड़के हैं अपने साथ में जा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन जा रहा है, और आपको सिनेमा के बाहर मिलेंगे सीधा। और इस लौंडे की मेहरबानी से हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं मूवी के लिए हमेशा की तरह। इसकी बचपन की पैदाइशी आदत है कि कभी भी किसी को भी टाइम पे नहीं करता है। और ये 3:45 की मूवी है, और अब हम पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम कौन सी मूवी देखने आए वैसे? केरल स्टोरी है। या टिकट मिलेगी कि नहीं?
तो मिल जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पता करके आता हूँ एक मिनट में। और बहुत ही बुरी खबर, सच्चू की मेहरबानी से यहाँ पर सो हो चुका था फुल, अब हम जा रहे हैं दूसरे कोई थिएटर में। गाइस तुम्हारे भाई ने अरेंजमेंट किया, दूसरी जगह शो चालू करा दिया है। अब मुझे लगता है कि वहाँ पे भी लेट कर ही देगा जी आज मूवी, मुझे लगता नहीं हम देख पाएंगे। चलो रे ये आ, एक तो बहुत लेट रहती ब्लॉन्ड ने हमारे संग में, सबसे ज्यादा तो ये लड़का। मैं ऑलवेज ऑन टाइम रहता हूं पोजीशन के, मूवी की इंटरवल तो करते ही रहता है ये। पागल है क्या ब्रो? अब हम कहां जा रहे हैं ये बताओ? अब हम जा रहे हैं ओमैक्स में, ओमैक्स में गोल्ड, ओमैक्स या फिर गोल्ड में जाके देखते हैं वहां पे टिकट मिलती है या नहीं। आज हमारी किस्मत में मूवी है यानी सच्चू के हाथ में, देखते हैं क्या होता है। मूवी है बॉय। तो अभी अभी एक बहुत ही बुरी खबर आई है अपने आप थोड़ा दूर कर कि हमारे लौंडे की एक्टिव बंद हो गई है। बड़ी मुझे लग रहा है मनुष्यत से मूवी देखने निकले आज, पता नहीं किसका ही मुंह देखा है। आगे चलो टाइम की नहीं है, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निकला कर, तो तेरे को सनी भारी है। मैं सब जोड़ के निकला था, हाथ भी सब जोड़ना होता है, जोड़ के लाए कभी जोड़ो। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है, वापस जाना पड़ रहा है हमको लौट के शिवम के पास में। पैर लगा के ला रहे करके स्कूटी, बहुत ही मशक्कत के साथ मूवी देखने जानी पड़ रही है। हमारे लौंडे खो गए हैं पता नहीं कहाँ, टेंशन हो रही है आगरा में होते हुए लड़के खो रहे हैं हमारे। गाइस बहुत ज़्यादा परेशान लड़के हैं हमारे। उनको यही नहीं पता है हम लोग हैं कहाँ पे, कुछ पूछो कुछ बता रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहुत ही बकचोदों के संग मूवी देखना डिसाइड किया हमने। लग नहीं रहा है हम देख पाएंगे, अनहोनी हो जा रही है जब से निकले तब से। फाइनली वी रीच, अब हमें बस अपने लड़के ढूंढने हैं कहाँ पे हैं, यहाँ पे भी मिल पाएंगे या नहीं। चलो भाई देख के मोड़ो, और हम ये वाली मूवी देखने आए हैं, इसका पोस्टर लगा हुआ है बाहर। पोस्टर ये रहा दिस मूवी। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ओमैक्स में बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि लड़कों ने एकदम ड्रामा कर दिया था प्रशांत ने सबसे ज़्यादा। इस पे एड्रेस वगैरह कुछ बताना नहीं आता, शिवम की गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया था, उनकी गलती नहीं है, गूगल की। हमारे साथ नया मेंबर जुड़ा है दोस्त, दीज गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स। और बढ़िया अभी अंदर चलेंगे, अभी अंदर थिएटर में जाके आपको दिखाएंगे कैसा सीन है अंदर सीन। सो गाइस हम लोग मूवी देख के आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मैं तो कहूँगा सबको देखनी चाहिए खासकर लड़कियों को। यस तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा गुड मैसेज है उसमें, और बहुत एकदम अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी मूवी है। कुल मिला के बात यह है कि हाँ देखनी चाहिए सबको, एकदम से लाजवाब। यस गाइस गाइस मूवी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। सो आप लोग बिल्कुल देखिएगा ये मूवी, ज़रूर देखो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह सब उसे भी कहो कि आप लोग देखें। और अभी हम लोग मूवी देखने, अभी हम पार्सल में आ चुके हैं, अपनी बाइक निकाल लेंगे यहाँ से और बाहर निकलते हैं यहाँ से पार्सल में। सो यस गाइस हम लोग अभी आ गए थे मूवी देख के, कल रात को थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि बैटरी वगैरह डाउन हो गई थी फ़ोन की, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हम लोगों ने मतलब घर पर आके कुछ भी शूट नहीं कर पाया। आज हम लोग जा रहे हैं शेरा की बाइक की सर्विस कराने, ऑयल वगैरह बाकी सब चीज़ें हमने जो नीडेड थी अभी जो हमको ज़रूरत पता थी वो तो हम लोगों ने ले ली है, और बाइक अभी निकाल रहे हैं। बाइक हमारी ये खड़ी देखो, आज बाइक कुछ इस कंडीशन में है, गंदी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट कोई नहीं कपड़ा मारा नहीं है जी, क्या करें इससे सर्विस ज़्यादा वीआईपी है लड़का, कपड़ा वैसे मारा नहीं जाता, बस चलवा लो इसको और कुछ नहीं करता है। गाइस मैं सब काम करता हूँ बट ये आदमी कुछ नहीं करता, सिवा इस पर जीप चलाने के दूसरा काम कुछ आता नहीं है। अभी सर्विस कराने जाते हैं इसकी अच्छे से, और अभी वहाँ पे शॉप पे आपको पहुँच के फिर वहाँ पे दिखाएंगे, और अपना सामान वगैरह हमने ले लिया, चलते हैं जल्दी से पहुँचते हैं अपनी दुकान पे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ गया है एकदम, बैटरी का ट्रिप है ये, है कुछ अपने ब्रो की है, ये इसको चला रहे थे, वेरी चोर फ्रेंडली है गाइस ये, अगर रात में जैसे आपके घर में चोर वगैरह घुसे आए इसको लेके जा रहे होंगे
बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी आपको, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ही इज़ द ओनर ऑफ दी स्कूटी। टेस्ला आ जाएगा, स्टिटरी नहीं है, टेस्ला है। यस सॉरी ब्रो। तो हम लोग पहुँच गए अपनी यहाँ पे दुकान पे, बाइक हमने लगा दी है। अभी भैया मैं बिजी हैं, थोड़े से काम चीज काम कर रहे हैं, भूल गया मैं क्या कह रहा था, काम कर रहे हैं। और काम करने का जैसे वो हमारी बाइक पर लगेंगे नहीं, फिर आपको दिखाएंगे हमारी बाइक में क्या क्या। तो काट देंगे क्या, भूल गए तो काट देना इसको, भूला ले सीन तो काट देना। इसका कोई गर्व असवा दो कोई जानकारी। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग वेरी परेशान होंगे। बाकी आप लोगों से जब ही बात करेंगे जब आपकी बाइक में काम कराएंगे। तो गाइस हमारी गाड़ी पे आ चुके हैं भैया, फ्री हो गए हैं वो अब सब कामों से, और अपने औजार वगैरह लेके आ रहे हैं। अब पहले इसमें से इंजन ऑयल निकालेंगे, अभी देखते हैं इसमें इंजन ऑयल का लेवल कितना है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा अभी, आई थिंक शायद ज़िंदगी के दो बूंद निकलेंगी। जो देखो गाइस टॉमी हेल्प कर, टॉमी इनकी कोई फीमेल डॉग वगैरह नहीं है, टॉमी इनकी औजार होती है। इनका इनका टूल इंस्ट्रूमेंट नॉट इंस्ट्रूमेंट दिस गाय बिलोंग्स टू एलए। हे ब्रो सीमा भाई साहब रहने दो, अब रहने दो, फिर रहन हो जाएंगे मेरे लोग। जी अभी अभी नए नए जुड़े हमारे साथ में जी, हमारे फ्रेंड्स हैं। और ये देखो अब इंजन ऑयल निकलेगा इसमें से, देखते हैं इसमें कितना इंजन ऑयल निकलता। रिफ्रेशिंग सी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी हमको मिलिए भैया जा रहे थे सोडा लेके, सोडा पियेंगे अभी और दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए कैसे दिया भैया, दो गिलास बना दो।
अभी वो पार्ट डल नहीं पाए हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं थे। ऑर्डर लगवा दिया हम लोगों ने, कह दिया मैकेनिक से वो अवेलेबल करा देंगे और फिर इसको चेंज करा लेंगे। और अभी तो हम फिलहाल घर जा रहे हैं और घर जाके आपसे फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे जाके, पहले पहुँचते हैं जल्दी से घर पर। सो यस गाइस, हम लोग सर्विस करा के घर पे आ गए हैं। टाइम हो रहा है अपना, अच्छा खासा टाइम हो गया हम लोगों को वहाँ पे, काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी आज के दिन, बट कोई नहीं, हम लोगों ने सर्विस कराई बट पूरा काम नहीं हो पाया, इसमें थोड़ा सा काम रह गया अभी सम टेक्निकल इशूज़ के कारण, हम लोग पूरे पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाए अपने, बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को। अभी इसमें क्या क्या ब्लॉग में, अभी इसमें बाइक में अपनी में क्या क्या काम कम्प्लीट रहेगा, अभी ये खड़ी अपनी बाइक, पता चलेगा आप लोगों को। जब तक आप लोगों को तो पता आप लोगों को क्या करना है। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड बाय एंड लव यू ऑल सभी।